बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ की ईवीएस का चैप्टर 11 दैट इज़ द वैली ऑफ फ्लावर्स पार्ट टू। तो बच्चों जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है द चैप्टर इज़ अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स और वैली होती है घाटी, मतलब वो फ्लावर्स इतनी ज़्यादा तादाद में है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते और इतने सुंदर फ्लावर्स हैं अलग अलग रंग के जो आपको नेचर में जनरली देखने को नहीं मिलते, यह स्पेशल जगह पर ही देखने को मिलते हैं और उस जगह को यहाँ पर जो नाम दिया गया है दैट इज़ उत्तरांचल, जिसे हम कह सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। तो बच्चों अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द मधुबनी पेंटिंग्स जो कि रिलेट करती है नेचर से, डिपिक्ट करती हैं जिसमें हम नेचर से रिलेटेड चीज़ों को देख सकते हैं, एनिमल्स को एज़ वेल एज़ वी कैन सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। एंड यहाँ पर जितने भी कलर्स यूज़ किए जाते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो सभी नेचुरल होते हैं, कोई भी सिंथेटिक कलर यूज़ नहीं किया जाता। और इस तरह से हमने मधुबनी पेंटिंग के बारे में भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में। एंड आपको एक वर्क मिला था कि आपको उत्तरांचल जो है जगह है उसको ढूंढना है मैप पर, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट भाग द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो बच्चों द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, अगर हम देखें तो हमारे सराउंडिंग में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमनली यहाँ पर जो फ्लावर्स दिए गए हैं वो सभी आपने देखे भी हैं और अपने घरों में आपने उगाए भी होंगे, तो हमें उन फ्लावर्स को आइडेंटिफाई करना है। हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं फ्लावर्स की। मार्क करेक्ट ऑन द फ्लावर्स विच यू रिकोगनाइज, राइट देयर नेम्स टू इफ़ यू नो। तो हमने पहले तो उन को करेक्ट करना है जिनको हम जानते हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों जितना हो सके हमने यह एक्टिविटी आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल पर डिपेंड करती है, क्या पता कि आपने कुछ फ्लावर्स ना देखे हों लेकिन ऑब्जर्व कर अगर आगे आपको मौका मिले तो ज़रूर इन फ्लावर्स को ऑब्ज़र्व करें, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं जो कि हमारे नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ चाइना रोज़। तो वैसे तो इस फ्लावर का नाम हिबिस्कस है जिसे हम चाइना रोज़ के नाम से भी जानते हैं और यह फ्लावर सभी ने देखा होगा अपने सराउंडिंग में, तो दैट इज़ चाइना रोज़। तो बच्चों आपने सभी ने पिक्चर्स ऑलरेडी देख ली हैं, मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं इन फ्लावर्स के, आई होप आपने यह ज़रूर देखे होंगे। तो चाइना रोज़ हम देख चुके हैं, सभी के घरों में भी अवेलेबल होता है और यह अब यहाँ पर आप पिंक मैजेंटा कलर का चाइना रोज़ देख रहे हैं। तो आपको घरों में अलग अलग कलर के चाइना रोज़ भी देखने को मिलते हैं, कोई रेड बिल्कुल ही वाइट कलर का होता है, कोई ऑरेंज कलर का होता है, तो आपको इसमें डिफरेंट कलर्स भी देखने को मिलते हैं चाइना रोज़ के अंदर। सेकंड है रोज़, तो रोज़ में भी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रोज़ देखने को मिलते हैं, येलो वाइट, यहाँ पर जो रोज़ है दैट इज़ रेड इन कलर। थर्ड फ्लावर है सनफ्लावर, अब सूरजमुखी को सब जानते हैं कि सूरजमुखी से हमें जो बीज निकलते हैं वहाँ से तेल भी मिलता है और इसको सनफ्लावर इसलिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ सूर्य होता है वहाँ वहाँ इसका फेस होता है, तो इसलिए इसे सनफ्लावर कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ मारीगोल्ड, जिसे हम गेंदा फूल भी कहते हैं और यह सभी अपने घरों में भी उगाते हैं, जो कि बिल्कुल येलो कलर के होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर होते हैं। जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ वाइट कलर फ्लावर, आई थिंक दिस इज़ अ चमेली एंड चमेली फ्लावर, आई एम नॉट परफेक्टली श्योर, तो आप इसको ऑब्जर्व करें और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ जैस्मिन, यह भी वाइट कलर के फ्लावर्स हैं ये, अगर आप इन्हें अपने ये वाला फ्लावर सभी ने अपने घरों में देखा भी होगा, तो यह बेसिकली वाइट कलर के होते हैं और रात के समय अलग से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ तुलसी, अब आप कहोगे यहाँ पे तो कोई फ्लावर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तुलसी के जो फ्लावर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, उन्हें बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है और तुलसी सभी के घरों में मिलेगी। अब सभी बच्चों ने क्या करना है कि तुलसी के फ्लावर्स को ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट है चिली, तो यहाँ पर आप छोटे छोटे फ्लावर्स देख रहे हैं, तो यह चिली का पौधा है, मिर्च का पौधा है, मिर्च के पौधे पर वाइट कलर के फ्लावर्स लगते हैं। और यहाँ पर जो आप नेक्स्ट फ्लावर देख रहे हैं, आई होप दिस इज़ डहलिया एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस फ्लावर, सो आई एम नॉट राइटिंग द नेम, एंड इफ़ यू एनी वन ऑब्जर्व दिस फ्लावर देन राइट अबाउट द फ्लावर, ओके।
फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन अबव एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो गिव नेम्स ऑफ टू विच. तो आपने यहाँ पर जो पिक्चर है उसके बेस पर यहाँ पर नाम लिखने हैं. तो पहला है ग्रो ऑन ट्रीज, ऐसा फूल जो पेड़ों पर उगते हैं. दूसरा है ग्रो ऑन बुशेज, ऐसे फ्लावर्स जो बुशेज पर ग्रो करते हैं. नेक्स्ट इज ग्रो ऑन क्रीपर्स, जो क्रीपर होते हैं जो नीचे ही नीचे क्रीप करते हैं, रेंगते हुए चलते हैं, बेल जिसे हम कह सकते हैं. ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, जो कि हमारे पानी में ग्रो करते हैं, जैसे लिली, लोटस. ब्लूम ओनली एट नाइट, जो कि फ्लावर्स सिर्फ रात के समय ही खिलते हैं. ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, और जो फ्लावर दिन के समय खिलते हैं पर रात के समय बंद हो जाते हैं. तो इस तरह से हमने यह टेबल कंप्लीट करना है. विच फ्लावर्स कैन यू रिकोगनाइज बाय देयर सेंट इवन विद योर आइज क्लोज्ड. तो आपको अपनी आँखें बंद करनी है और आपके सामने कुछ फ्लावर्स लाए जाएंगे, तो कौन से फ्लावर की सुगंध है वो आप दूर से महसूस कर लेंगे. दैट इज़ आई होप रोज एंड जैस्मिन, चमेली. यह ऐसे दो फ्लावर्स हैं जिनको हम दूर से भी नोटिस कर लेते हैं. विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर अराउंड, तो ऐसे फ्लावर्स के नाम बताने हैं जो थ्रू आउट ईयर कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे खिलते रहते हैं, सीजनल नहीं होते. विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स, और ऐसे फ्लावर्स बताने हैं जो सिर्फ कुछ महीनों में ही खिलते हैं. तो यह सभी हमने यहाँ पर फिल करने हैं. आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स, फाइंड आउट एंड राइट. तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर कभी फ्लावर्स नहीं आते, उनको हमने फाइंड आउट करना है और उनके नाम लिखने हैं. तो यह वर्क आप सभी बच्चों के लिए है, आप इसको खुद से लिखें, बाकी फिर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे. तो बच्चों, वाई दिस, हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनी वेयर, डू नॉट प्लक फ्लावर्स. प्लक होता है तोड़ना. तो क्या आपने कभी यह वाला बोर्ड देखा है कभी कहीं पर लगा हुआ? तो ऑब्वियस आपने पार्क्स वगैरह में यह बोर्ड लगा हुआ देखा होगा. वहाँ पर लिखा होता है कि आपको फूलों को नहीं तोड़ना, इवन फाइन भी लिखा होता है कि अगर आप फूलों को तोड़ेंगे तो इतना फाइन लग जाएगा. तो डू पीपल प्लक फ्लावर्स इवन वैन दिस बोर्ड इज़ देयर, अगर यह बोर्ड लगता है तो कभी भी लोग इस फूलों को नहीं तोड़ते, उसे उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पर फ्लावर नहीं तोड़ने. वाई डू यू थिंक दे डू दिस, आपको क्यों लगता है कि बोर्ड क्यों लगाया गया? अगर आप बोर्ड ना लगा दिखे तो सब क्या करेंगे? सबसे फ्लावर्स बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, हर कोई उन्हें तोड़कर अपने पास रखना चाहता है. तो सभी अगर फ्लावर्स तोड़ने लग जाएंगे तो पौधे के पास फ्लावर्स ही नहीं बचेंगे, तो नेचर की ब्यूटी को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. शुड दे डू दिस, क्या हमें फ्लावर तोड़ने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं तोड़ने चाहिए. व्हाट वुड हैपन इफ एवरीबॉडी प्लक्ड फ्लावर्स, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर सभी फ्लावर्स को तोड़ेंगे तो हमारे पास फ्लावर्स ही नहीं बचेंगे, तो इससे हमारा ही लॉस होगा, हमारी नेचर जो मदर नेचर है उसका लॉस होगा. तो हमें अपने सराउंडिंग में जो प्लांट्स हैं उनको कभी तोड़ना नहीं चाहिए. हम सोचते हैं कि उन्हें दर्द नहीं होता, इवन प्लांट हैज़ ऑल्सो लाइफ, तो उन्हें भी दर्द होता है. तो हमें अपने प्लांट्स की एज़ वेल एज़ एनिमल्स की केयर करनी चाहिए. तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद.